एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए वो दिव्य संदेश क्या है, वो डिवाइन मैसेज क्या है, गाइडेंस एडवाइस क्या है। सो यस, यहाँ पर दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने एज यूजल, और इंट्यूटिवली ही आज आपको चूज करना है कि किस ऑप्शन से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है माँ दक्षिणा काली, और साथ में है यहाँ पर ये सन स्टोन। ओके, ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पर नटराज, एंड साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन। तो दोनों में से जो भी कार्ड से या फिर से जिस भी स्टोन से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसको अपने लिए चूज कर सकते हो, और इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन गाइस याद रहे, चैनल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीजें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने माँ दक्षिणा काली का कार्ड चूज किया है और साथ में सन स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए वो दिव्य संदेश क्या है, डिवाइन मैसेज क्या है, गाइडेंस एडवाइस क्या है, सारी चीजें देखेंगे। लेकिन रीडिंग को देखने से पहले मन ही मन भगवान जी से, डिवाइन से, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, पूरे दिल से प्रे करना कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है, वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। और कमेंट सेक्शन में 3 बारी थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स जरूर टाइप करिएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉट्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ चीजें चल रही हैं ऑप्शन फर्स्ट फिलहाल, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, किसी ना किसी तरीके से आप सफर कर रहे हो। लाइक बहुत ज्यादा एक मैं हैप्पी स्टेट में आपको नहीं देख रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे जिंदगी एक बोझ जैसे है, और काफी सारी चीजें जो आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे हो, जो कर रहे हो वो पूरे दिल से नहीं कर रहे हो। लाइफ में क्या हो रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है, सो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, और साथ में खुश भी नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि जो मेरा सपना था वो पूरा नहीं हुआ, जहां पर मैं होना चाहती थी, जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ 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 ऐसी चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ऑप्शन फर्स्ट मैसेज ये है कि देखो, अगर आपको अपनी सिचुएशन को बदलना है तो फिर अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने कंफर्ट जोन से जाके करना पड़ेगा। नहीं तो इस तरीके से केवल कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिचुएशन जैसी है वैसे ही रहेगी। सो अगर आप सिचुएशन को बदलना चाहते हो तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा उससे पहले, और उसके बाद आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़ेगा, मेहनत भी यहाँ पर आप लोगों की लगेगी, और कुछ बड़े डिसीजंस भी आपको अपनी लाइफ में लेने पड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा लाइफ में रिस्क भी लेना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपनी लाइफ में चल रहे हो ना, सिचुएशन वैसे नहीं बदलेगी। अगर आपको सिचुएशन को बदलना है, लाइफ में बदलाव चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। खुद ही उसके लिए यहाँ पर आपको आगे जो है वो कदम बढ़ाना पड़ेगा, ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रहा है। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओवरथिंकिंग बहुत चल रही है इस वक्त, और आप लोगों को बस ऐसी एनर्जीज है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि लाइफ में करना क्या है, डिसीजन क्या लें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे गाइडेंस लें, क्या करना सही रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो यस, बहुत सारी चीजें ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में फिलहाल चल रही हैं।
और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है, आपको समय समय पे मार्गदर्शन भी मिल रहा है, आपको साइंस भी मिल रहे हैं, लेकिन मन में इतना सारा कुछ चल रहा है ना, इतनी वो थिंकिंग चल रही है कि आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे जो डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहे हैं। मन को शांत रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। तो यस, डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें, और अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हो ना तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम कम से कम करो, आपका मन उससे शांत रहेगा। साथ में आप लोग चाहें तो क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हो, क्लियर क्वार्ट्स और एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेंगे। से ये है क्लियर क्वार्ट्स, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्स और साथ में एमेथिस्ट आप इनको वेयर कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेंगे आपके मन को शांत रखने में। आप जो क्लैरिटी अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में लेकर आने में मेडिटेशन में आपकी हेल्प करेंगे। ये मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए परमात्मा की तरफ से। मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग अपनी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस को डिजर्व करते हो, ढेर सारे प्यार को डिजर्व करते हो, सक्सेस को डिजर्व करते हो आप लोग अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ कार्मिक चीजें हैं, कुछ ऐसी कार्मिक फैक्टर्स हैं, कुछ जैसे ही आपको सक्सेस मिलने वाली होती है, जैसी खुशियां आने वाली होती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है और चीजें जैसे आप प्लान करते हो वैसे नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, और होपोनोपोनो प्रेयर अगर आप लोग अपने लिए डेली बेसिस पे करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। होपोनोपोनो प्रेयर यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसे आप लोग अपनी लाइफ के लिए अपने लिए करिए, और साथ में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, अच्छी डाइट आपको लेनी पड़ेगी, आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अगर मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि नेचुरल चीज़ों की तरफ जाओ, आयुर्वेद की तरफ जाओ, आयुर्वेदिक यू नो चीज़ों की तरफ जाओ, वहाँ से खुद को जड़ से हील करो। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि लाइफ में ना बहुत सारा प्रेशर आप लोग समहाउ फील कर रहे हो, फैमिली का, काम का, एंड जैसे पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैंने कहा ना, जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, जो कर रहे हो उसमें खुश नहीं हो, तो ऐसे कुछ सिनेरियोज आप लोगों की लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर। और देखो एम्प्रेस का कार्ड पता है क्या कह रहा है यहाँ पर, कि देखो आपकी खुशी जो है ना वो आपके हाथ में है, और आपको खुश रहना खुद सीखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियों को ढूंढना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में लेकर आओ डेली, जो भी चीजें आपके पास है उनको उनके लिए बोलो, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी को ढूंढो, सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में लेकर आओ। आपको थोड़ा सा खुद को बदलना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट, ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है। अगर आप केवल कमियां देखोगे, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें कंप्लेन करने के लिए मिल जाएंगी, दुखी होने के लिए मिल जाएंगी, और उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो और ज्यादा डाउन, और ज्यादा डाउन, और ज्यादा डाउन ये होगा। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट की जब आप ग्रेटफुल रहोगे तो आपकी एनर्जीज भी अच्छी होगी, आप लोग हाई वाइब्रेशन में जाओगे। सो यस, जितना हो सके यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या गाइडेंस है। रिसेप्टिविटी, अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। और सिक्स ऑफ कप्स कार्ड भी ना रिसीविंग के बारे में बात कर रहा है। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट के रिसीविंग मोड में आइए, अपनी लाइफ में चीजों को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास्ट के इस तरीके के ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे मन में इतने सारे डर होते हैं कि अपॉर्चुनिटी सामने से आ भी रही होती है ना, तो हम डर रहे होते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, मन में 10 बातें आती रहती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है रिसीविंग मोड में आइए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करिए, अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट करिए, और मेडिटेशन आपने डेली करना है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, और मेडिटेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मेडिटेशन आपको डेली करना है, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्योरिफिकेशन, तो भाई खुद को डिटॉक्स करो, आई एम सॉरी, मतलब आपके मन में, आपके माइंड में ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स जो हैं वो भरे हुए हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, बॉडी को भी माइंड को भी। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप फास्टिंग कर सकते हो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, और माइंड को डिटॉक्स करने के लिए मैंने बोला ही मेडिटेशन करिए, और दूसरा ग्राउंडिंग करिए, ठीक
ठीक है, आप एक और चीज कर सकते हो, अपने आसपास साफ सफाई करो, जो भी चीज आपकी जरूरत की नहीं है उनको निकालो, जो भी कपड़े अब आप आगे नहीं पहनने वाले, जो भी चीजें अब आप आगे यूज नहीं करने वाले, सबको निकालो। और ये क्या होगा, ये एक आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इसका इम्प्रिंट पड़ेगा कि यस, आप लोग अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करने की एनर्जीज में हो और आप लोग रिसीविंग मोड में आ रहे हो। ठीक है ना, ये चीज कही जा रही है। तो इस बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोग हेल्दी डाइट लें, हेल्दी चीजों को खाना है, ज्यादा हैवी खाना आप लोगों को नहीं खाना, बिल्कुल जो लाइट चीजें होती हैं आपको अपनी डाइट में वो इंक्लूड करनी है। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इम्पोर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। इम्पोर्टेंट डोर्स की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप लोग चैनल पर जाके विजिट करिए, लास्ट रीडिंग यही है, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स जो हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्टल्स जो हैं आपके लिए ओपन होने वाले हैं। सो यस, वो रीडिंग को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और यस, मैं लिंक भी दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर मैसेज है कि बहुत सारे दरवाजे आप लोग के लिए खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जस्ट अपने आप को रिसीविंग मोड में ले आओ। अब पूरे दिन नेगेटिव नेगेटिव नहीं सोचना है, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीजों को काउंट करिए अपनी लाइफ में। ठीक है ना, यही एक तरीका है। ठीक है ना, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यहाँ पर। देखो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्लियरली मैसेज ये है कि देखो, अगर अपनी लाइफ को बदलना है, मैंने पहले भी कहा, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर, कंप्लेन की एनर्जी से बाहर निकलो और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जाओ, इसी से आपका काम बनेगा भाई। ठीक है ना, प्राणा की एनर्जी, लाइफ फोर्स। ठीक है ना, और जैसे मैंने आपसे कहा, प्राणायाम करो डेली बेसिस पे, डीप ब्रीदिंग करो अगर प्राणायाम नहीं कर रहे हो तो, इससे आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो है वो बैलेंस होंगी। आप लोग बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, यू नो एब्सेंट माइंडनेस एक रहती है ना, कि कर कुछ रहे हैं, ध्यान कहीं और है, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अपने प्रेजेंट मोमेंट में आओ, अपने आज पे ध्यान दो, अपने आज पे फोकस करो, और मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये चीजें आपके लिए रेमेडी हैं, ये बेस्ट वे में आपके लिए वर्क करेंगे। तो यस, ये चीजें आपने अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करनी है। कुछ लोग कहेंगे टाइम की कमी है और बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम समहाउ निकालना पड़ेगा, कुंडलिनी। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग, हो सकता है अगर से आप लोग पहले से मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ये सारी चीजें, तो कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए पॉसिबल मुझे नजर आ रही है। देखो, कुंडलिनी जागरण वाला जो प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, और इसे अपने आप से तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें किसी, जब तक आपको किसी की गाइडेंस नहीं मिल रही हो, किसी का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा हो, किसी गुरु का, टीचर का, मास्टर का, तब तक ये अपने आप से प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपने आप से ट्राई कर रहे हो तो मत करो, बस चक्रा बैलेंसिंग पे ध्यान दो, एफर्मेशंस को यूज करो, क्रिस्टल्स को यूज करो, ओम के उच्चारण के साथ मेडिटेशन करो। लेकिन अगर आप मेडिटेशन में कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो मेक श्योर किसी मास्टर की गाइडेंस में ही करो, अदरवाइज से फिर साइड इफेक्ट्स रहते हैं। ठीक है ना, ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर आया है। बेसिक बेसिक चीजें जो है वो आपने करनी है, बेसिक बेसिक मंत्रों की चैंटिंग करो। कुछ लोग आते हैं मेरे पास और कहीं से भी कोई मंत्र सुन लिया, कुछ भी, वो जस्ट प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं, लेकिन इस तरीके से चीजों को नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए मैसेज है कि भटकना नहीं है 10 चीजों में, सिंपल सीधा जो सच्चा रास्ता आपको पता है उसको ही पूरे डेडिकेशन से करो। ठीक है, ये मैसेज है। और देखते हैं यहाँ से, या फिर से कोई गुरु हैं आपके, मास्टर हैं, तो उनकी गाइडेंस में करो, उससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। फॉर दिस कॉस्मिक गेट वे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि देखो, इस वक्त थोड़ा सा कुछ लोग बेचैन है, एनर्जीज बैलेंस नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, और जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव सोचना है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर सको। अदरवाइज से नेगेटिव सोचोगे तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, और बहुत सारे मिरेकल्स आप लोगों के लाइफ में होने वाले हैं। ये भी मैसेज है, कॉस्मिक गेटवे की एनर्जी है। अगेन वही, एक पोर्टल ओपन हो रहा है, गेटवे ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए, और आप लोग अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है ना? सो यस, आपको मेडिटेशन जरूर करना है, अपनी इंट्यूशन की जरूर सुननी है ऑप्शन फर्स्ट. ये जो चीजें हैं ना आपकी लाइफ में जो चल रही है, ये टेम्परेरी है, ये बस कुछ कुछ टाइम का है. तो जितना ज्यादा आप यू नो डीप ब्रीदिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, ठीक है ना? ये मैसेज है, खुद को हाइड्रेटेड रखो, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है आप लोगों को. कुछ लोग यस थोड़ा सा यू नो ऐसा ड्रेन फील कर रहे हैं समहाउ, कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ड्रेन फील. आप लोग कहोगे पहले तो मैं बहुत मेडिटेशन करती थी, पहले तो मेरा बहुत मन लगता था, अभी नहीं लग रहा है. और रीजन यहाँ पर ये भी है कि आप लोगों ने अपने साथ शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करे हैं. यस, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन यस आप लोग खुद को डिटॉक्स करो, डिटॉक्स का मैसेज है यहाँ पर. और ग्राउंडिंग करो, आपको ग्राउंडिंग की नीड है. और ग्राउंडिंग करने के लिए आप लोग वॉक करो, नंगे पैर धरती पे चलो, ठीक है ना? ये सबसे बेस्ट वे है. और साथ में है यहाँ पे महावतार बाबा जी. सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, योर अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स. आप सिंपली ओम के उच्चारण के साथ मेडिटेशन करें, ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है, अगर आपको नहीं है पता कि क्या करना है अपनी लाइफ में तो. और साथ में यहाँ पर मैसेज ये है कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपेंड हो रही है. आप हर चीज के पीछे यू नो एक जो मतलब छुपा होता है, कहीं ना कहीं उस मतलब को समझ पा रहे हो. आपको आने वाले टाइम में यू नो बहुत सारे एक्सपीरियंस होने वाले हैं, बहुत सारे मिरेकल्स आपके साथ होने वाले हैं. आप लोग डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, आप लोग यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, आप लोग डीप मेडिटेशंस में जा रहे हो. यस, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. अगेन ये मैसेज ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि कुछ भी चीज जो आप कहीं भी देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको अपने ऊपर अप्लाई मत करना, ठीक है ना? क्योंकि यस मेरे पास रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस आए थे कि फिर वो लोग बहुत परेशान होते हैं और फिर यू नो फिर वापस से यू नो नॉर्मल होने में टाइम लगता है. तो यस यू नो जब तक आपके पास प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं है, अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को करना है, ठीक है ना? चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं. ऑप्शन फर्स्ट, माँ रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स. तो भाई यहाँ पर माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं. तो अगर यू नो कुछ लोगों को डर लगता है, बहुत ज्यादा फोबिया टाइप है कहीं बाहर जाने से, या मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, यू नो होता है, मैंने मैंने देखा है लोगों के साथ. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ये मन यू नो ये जो डर है ना, ये अपने मन से निकालना है, बिकॉज आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है? सो पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, डर डर के नहीं जीना है आप लोगों को. ओके, सो यहाँ पे है भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस. ओके, सो भाई यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट की, बहुत सारी अवेयरनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है. और अभी आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है ना, वो ऐसी नहीं हो रही, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग है, आपके लिए कोई ना कोई लेसन है. तो टाइम के साथ ही आपको सारी चीजों के मतलब समझ में आएंगे. आपको बस यू नो वही मैं फिर से कहूंगी कि पॉजिटिव रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? और कुछ लोग यहाँ पे सीरियसली चाह रहे हैं कि यू नो उन्हें गुरु की जरूरत है, उन्हें गुरु चाहिए अपनी लाइफ में. तो यस आप लोग यू नो प्रेयर करें, मैं आप लोग को यही बोलूंगी, डिवाइन से प्रेयर करें. और आप लोग चाहें तो एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, आप वो बुक को भी अपने लिए पढ़ सकते हो. वहां पर जैसे गुरु और शिष्य का जो रिश्ता जो एक्सप्लेन किया गया है, यू नो बहुत ही खूबसूरत है. तो यस आप लोग चाहें तो वो बुक को भी पढ़ सकते हो, ठीक है? सो यस ऑप्शन फर्स्ट ये है. आप लोगों की रीडिंग जरूर बताइएगा कैसी लगी. और यस रीडिंग को लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले. और अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉमेंट में मिल जाएगा. और अगर रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय. हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने नटराज का कार्ड चूज किया है एंड साथ में ग्रीन एवेंजर के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन टू डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे. सो मन ही मन डिवाइन से प्रेयर जरूर करें ऑप्शन टू, कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें.
ठीक है, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड यस, साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 3 बारी जरूर टाइप करें। ठीक है, तो चले यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, सिक्स ऑफ कॉइन्स। आप लोग खुद के साथ ना बहुत टफ हो रहे हो। ऑप्शन 2 मतलब खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर में आना, परेशान हो कुछ चीजों को लेकर, कहीं पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है लाइफ एक स्ट्रगल है, लाइफ एक एक यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, यहाँ पर जैसे आपको कहा जा रहा है टेक इट इजी, इसको इजी लो, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी कोई जंग नहीं है, इसको इंजॉय करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुश रहते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो बेवजह का स्ट्रेस आप लोग ले रहे हो, बातों को नहीं भूल पा रहे, चीज़ों को नहीं भूल पा रहे, और यस बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें जो आपको करने की जरूरत नहीं है आप वो भी कर रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको सबसे पहले डिवाइन की तरफ से मैसेज यह है कि देखो अपने आप को हील करने की जरूरत है। अपने आप को वक्त दो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा रिजुविनेट करो, कहीं घूमना पसंद है वहां चले जाओ, अपने लिए समय निकालना है। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो आपने करना है, अदरवाइज से फिर इसके जो साइड इफेक्ट है ये आपको आगे दिखेंगे। फिर आगे आप बहुत ज्यादा कुछ लोग फिर आगे डिप्रेशन में जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं। तो आपको यहीं पे खुद को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, अपनी हेल्थ का यहाँ पर आप लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। साथ में सिक्स ऑफ कॉइन्स और फोर ऑफ वॉन्स की यहाँ पर एनर्जी है, और मुझे यहाँ पर शादी के रिलेटेड कुछ नजर आ रहा है कि कुछ लोगों की शादी की बातें चल रही है या शादी फिक्स हो रही है, कमिटमेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। हाँ, तो मुझे इस तरीके से यहाँ पर आप लोग पे नजर आ रहा है। अगेन फिर से वही कहा जा रहा है कि जो काम जब होना है वो अपने समय पे हो जाएगा, आप लोग डिवाइन के ऊपर विश्वास रखें, बिकॉज यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना। लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखना है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कुछ लोग, तो वो अपना बस मैं यही बोलूंगी ऑप्शन 2 आपको ख्याल रखना है, बिकॉज इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत है ही नहीं है। राइट, तो ये मैसेज आप लोग के लिए है यहाँ पर। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं ऑप्शन 2। द फूल, ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, यस वही ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप लोग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड यहाँ पर है दी एम्प्रेस की एनर्जी। सो ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में, मैं आपको बता दूं ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग से आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में होने जा रही है। लेकिन क्या है ना, ऑप्शन 2 पास्ट में इस तरीके की चीजें रही हैं कि आप लोग डरते बहुत हो, आप लोग घबराते बहुत हो, आपको अपने अटैचमेंट्स को रिलीज करने में टाइम लगता है, आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। राइट, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो एक नई शुरुआत का जो वक्त है वो आ चुका है अब आपकी लाइफ में, और चीजें अब यहाँ से बदलेंगी, चीजें अब यहाँ से चेंज होंगी, आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। और काफी सारे नए थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, न्यू न्यू आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, उनके ऊपर काम करके आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। पुरानी चीजों को, पास्ट को ये लेट गो कर देने का समय है, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, और आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। एग्जैक्टली जैसे आप सपने देखते, जो भी आपके ड्रीम्स थे कि मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगा, अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो सारे पूरे होंगे यहाँ पर, मुझे इस तरीके से मैसेज मिल रहा है। लेकिन वही एनर्जी है कि अपना ख्याल रखने की जरूरत है भाई, आपको थोड़ा सा एक गहरी सांस लो, एक चैन की सांस लो, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। और मुझे कुछ लोग के लिए थोड़ा सा ये भी मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा संभल कर भी रहने की जरूरत है, जब भी आप लोग अपने घर से बाहर निकलें तब, अगर आप लोग ड्राइविंग कर रहे हो, एब्सेंट माइंड होके कोई भी काम नहीं करना,
कि कुछ सोच रहे हो, कुछ चल रहा है माइंड में, ड्राइविंग कर रहे हो या जो भी कुछ है, यू नो प्रेजेंट मोमेंट में रहना है आपको, और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही आप लोगों को काम करना है। ड्राइविंग कर रहे हैं जो भी लोग, वो अपना खास तौर पर ख्याल रखें। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आपको अवेयर कर रही हूँ कि आपको सावधानी से अपनी लाइफ में आगे अगले 1-2 महीने आपने चलना है। हेल्थ का भी ख्याल रखना है, रेस्ट भी करना है। ये मैसेज है आप लोग के लिए। बाकी तो यस, यहाँ पर आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, मुझे सारी चीजें यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। जस्ट आप ही अपने माइंड में यू नो ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो रहे हो, बस ये है यहाँ पर। चलिए और देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। मदर अर्थ यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 कहा जा रहा है कि मदर नेचर में अपना टाइम स्पेंड करें। और जो भी लोगों का सपना है कि मुझे मदर नेचर के लिए कुछ करना है, मुझे कोई एनजीओ खोलना है, मुझे कोई अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलने, कोई भी ऐसा सपना है, तो यस मदर नेचर के लिए आप करो। जिस भी मुद्दे पे आप बात करना चाहते हो, जिस भी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो, ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर। और ये तब होगा जब आप खुद को हील कर लोगे। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। अगर खुद को ही नहीं हील कर पाओगे तो दूसरे लोगों को कैसे यू नो गाइड करोगे, दूसरे लोगों को कैसे रास्ता दिखाओगे, है ना, दूसरे लोगों के लिए कैसे मोटिवेशन बनोगे। तो यस ऑप्शन 2, अपने आप को हील करो, ये मैसेज है। और मदर नेचर में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टाइम स्पेंड करो, ये मैसेज है। ठीक है, और इतने यहाँ पर होम योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग इधर थ्रू ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन दी ऑक्यूपेंट्स। तो यस, अगर आपके घर में फैमिली में कुछ परेशानी चल रही थी, आप जिनकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस लेते थे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस फैमिली में जो भी दिक्कतें चल रही थी परिवार में, वो अभी सॉर्ट हो रही हैं। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आ रहा है, कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पर होने वाला है, शादी का डिसीजन यहाँ पर आप लोगों के लिए है। सो यस, ये मैसेज है। और यहाँ पर देखते हैं आपके लिए ऑप्शन 2, सेक्रेट स्पेस, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज है ऑप्शन 2 कि अपना यू नो एक ऑल्टर क्रिएट करो। अगर आपके घर में मंदिर वगैरह है तो वहां पर बैठ के यू नो अपना ऑल्टर क्रिएट करो, या जो भी है अपना एक ऑल्टर क्रिएट करो, वहां पर यू नो कुछ क्रिस्टल्स को रखो, जो भी चीजें आपको पसंद है, जिन भी चीजों से आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हो, वो चीजों को रखो। ठीक है, दिया जलाओ वहां पर डेली, और यस वहां पर बैठ के आप लोग मेडिटेट करो, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। और वहीं पर बैठ के आप लोगों को जॉर्नलिंग करनी है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपने करना है, अपना एक प्लेस बनाओ ये सारी चीजों को करने के लिए। ठीक है ना, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, माँ पार्वती, ओके, देखो मिलता सब कुछ है ऑप्शन 2। यू नो कभी कभी क्या होता है, मछिन मस्ता। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि बहुत सारे लोग ना अपनी किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज क्या है कि आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अपनी किस्मत को खुद बनाना है, अपनी किस्मत को खुद लिखना है। और अगर हम चाहें ना, अपने कर्मों से हम वो भी बदल सकते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा है। ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूँ। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही, जब मैंने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं, खुद के साथ एक्सपीरियंस करा है, मैं आपको तभी ये चीज़ को बता रही हूँ। तो यस यहाँ पर साधना, यहाँ पर तपस्या, यहाँ पर कहा जा रहा है इनर वर्क, यहाँ पर कहा जा रहा है अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो। और यस कुछ सेक्रीफाइसेस लेकिन यहाँ पर ज़रूर हैं अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए। या फिर से मैं कहूँ, आपको लग रहा होगा कि ये सेक्रीफाइस मैं किसी और के लिए कर रही हूँ या मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो आप ही के लिए है। ये मैसेज, इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है, समय के साथ आपको समझ में आएगा, मैं ये भी बता दूं। सो यस ऑप्शन 2, कुछ सेक्रीफाइसेस यहाँ पर रह सकते हैं। और ये सेक्रीफाइस कैसा है कि कुछ पाने के लिए यू नो कुछ खोना पड़ता है। ठीक है ना, तो यस वैसे चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, जैसे अपना समय देना, अपनी एनर्जी देना, मेहनत करना, दिन रात लगे रहना, आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन उसे आप सही तरीके से करना, ओके, अपनी एनर्जी को सेव करके। तो वो चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ओके, तो यहाँ पर और देखते हैं अभी आप लोगों के लिए ऑप्शन 2।
और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है? ओह माय गॉड, यहाँ पर माँ पार्वती, माँ छिन्नमस्ता, राधा रानी, इतने सारे मैसेजेस हैं भाई। आप लोग बहुत स्पेशल हो ऑप्शन टू, मैं आपको ये बता दूं। और आप लोग ईश्वर के बहुत करीब हो, बहुत नज़दीक हो, बहुत प्यारे हो, आपके दिल में बहुत प्यार है। और कुछ लोग होते हैं भाई जो शायद ना, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि दूसरे लोगों के लिए जन्म लेते हैं, दूसरे लोगों को खुश रखने के लिए, दूसरे लोगों को प्यार देने के लिए। आप लोग कहीं ना कहीं उनमें से एक हो। अब यहाँ पर मैसेज क्या है? री डिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। कुछ लोग शायद यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हो, या ऐसे सोच रहे हो कि इससे शादी हो जाएगी तो मैं कंप्लीट हूँ, तो मैं पूर्ण हूँ, तो मैं होल हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो। हम सब के अंदर फेमिनिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, आप पहले से ही कंप्लीट हो और अपनी हैप्पीनेस को अपने अंदर ढूंढो। कहीं खो चुके हो और वापस से जागने की जरूरत है, खुद को ढूंढने की जरूरत है आप लोगों को। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। जैसे कुछ लोग बचपन में बहुत टैलेंटेड थे, बहुत क्रिएटिव थे, खुश रहना, नाचते गाते रहना, सबको खुश रखना, लेकिन समय के साथ फिर आप जैसे कहीं लॉस्ट से हो गए, खो से गए आपकी पर्सनालिटी और आप। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, याद करो आप कैसे हुआ करते थे, है ना? अपने उस वर्जन में आपको आना है, खुश रहना, नाचते गाते रहना, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही मैसेज आ रहा है कि इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, फन एनर्जी के साथ, क्रिएटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और ऐसे ही आपकी लाइफ में हार्मनी भी आएगी, हीलिंग भी आएगी, और अगर रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी ठीक होगी, ठीक है? अगर कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज भी हैं तो एक लव रिलेशनशिप हीलिंग करके एक क्रिस्टल है, जिसमें कि तीन स्टोन है, रोडोक्रोसाइट, रोडोनाइट एंड रोज क्वार्ट्स। तीनों ही बहुत अपने आप में पावरफुल हैं और उनको मिक्स करके मैंने एक ब्रेसलेट बनाया है। सो यस, आप लोग अपने लिए वो परचेज कर सकते हो और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? और मैं कॉमेंट्स में भी पिन कर दूंगी, तो यस, आप लोग वहां से कर सकते हो। सो नेक्स्ट डे यहाँ पे दी मरियम, सेक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी दी लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। प्यार की बात यहाँ पर बहुत हो रही है, बार बार ही हो रही है। और यस, अपने प्यार को ऑप्शन टू कहा जा रहा है, अपने अंदर ढूंढो। यहाँ पर लव एंड लाइट के लिए आप लोग कहीं ना कहीं बने हुए हो, तो यस, यहाँ पर फॉरगिव कर दो। अगर आपको लगता है कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया, या यस कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया, या जो भी कुछ है, यहाँ पर कहा जा रहा है माफ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हर किसी के अंदर रोशनी है, जस्ट कभी कभी लोगों की सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं या फिर उनकी नॉलेज ही उतनी है, उसके चलते वो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि आप हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो साथ में, और आपका पर्पस है ऑप्शन टू, आप किसी खास मकसद के लिए बने हो, तो यहाँ पे फॉरगिव कर दो लोगों को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लव हैज नो बाउंड्रीज, मतलब क्या है? प्यार की कोई सीमा नहीं है कि तुम हमसे कर रहे हो तो ही हम तुमसे कर रहे हैं। होता है ना अनकंडीशनल लव, कि बस हम प्यार देना जानते हैं, और प्यार वही इंसान दे सकता है जो खुद प्यार से भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं, अदरवाइज से लोग प्यार देंगे भी तो वो किस एक्सपेक्टेशन से देंगे कि ये पर्सन मुझे बदले में ज्यादा देगा। मैं आपको सच बता रही हूँ। तो यस, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो, और इसलिए यहाँ पर राधा रानी का भी कार्ड है, ठीक है ना? सो लास्ट देख लेते हैं ऑप्शन टू, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन टू, अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, ठीक है, और अपने थ्रोट चक्रा पे भी। चलिए और देखते हैं यहाँ पर लास्ट ऑप्शन टू, भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड और आप लोगों के लिए भी। तो यस, यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस आप लोगों के लाइफ में आ रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज आ रही है, स्पिरिचुअल विजडम आ रही है, आप स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा डीप में जान पा रहे हो। और जो भी डाउट्स थे ना, जो भी मिथ थे आपके अंदर चीजों को लेकर, हीलिंग को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो यहाँ पर दूर हो रहे हैं। कहीं से तो नॉलेज मिल रही है, कहीं से तो विजडम मिल रही है, कोई अच्छी किताब आपके हाथ में लग रही है, या आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को, आप किसी मास्टर को बहुत ज्यादा सुन रहे हो। और यस, ढेर सारी इंसाइट, नॉलेज, विजडम, अवेयरनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है।
एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन टू यहाँ से। नील कंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो हर चीज को लेकर ना अपना एक पॉजिटिव बिहेवियर रखो और यू नो सारे काम आपके बनते चले जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुश रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आप लोगों की लाइफ में आ रही है। सो यस, इस रीडिंग को क्लेम करिएगा ऑप्शन टू अपने लिए। ओके, और लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फीडबैक जरूर शेयर करें कैसे लगी ये रीडिंग। और अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो जैसे मैंने बताया आप लोग वेबसाइट से कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।